हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा सेल्फ बन हेयर स्टाइल, जो कि पार्टी वेयर है। शादी में कर सकते हो, वेडिंग में कर सकते हो और बहुत ही इजीली आप खुद से भी कर सकते हो। तो चलिए, फ्रंट एंड बैक दोनों है, फ्रंट एंड बैक सेल्फ बन हेयर स्टाइल। तो बीच से मैंने इस तरीके से मांग निकाली है, उसके बाद से मैं यहाँ से इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दूँगी। फिर सारे बालों को थोड़ा सा हाई, ज़्यादा हाई नहीं करना है, थोड़ा सा ऊँचा करके एक पोनी बना लेनी है अच्छे से कॉम करके। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कॉम कर लिया है और एक रबर बैंड लेके अच्छे से पोनी बना लेंगे। यहाँ पे पोनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का हल्का बालों को इस तरीके से खींच लेना है, बालों में वॉल्यूम दिखे और हल्का सा पफ क्रिएट हो जाए। उसके बाद से जो आपके फ्रंट के हेयर हैं उनको साइड पार्टिंग कर लेंगे। साइड पार्टिंग करने के बाद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले के बालों का ट्विस्ट करते जाना है पूरा। ये जो आप ट्विस्ट कर रहे हो, जो आपके पोनी का रबड़ है, जस्ट उसके ऊपर इसको लगाना है। तो इस तरीके से खींचना है थोड़े थोड़े हेयर को, ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंट सा लुक आ जाए और ट्विस्टिंग अच्छी दिखे, वॉल्यूम दिखे ट्विस्टिंग में। तो इसको पीछे ले जाके इस तरीके से यहाँ पे आप पोनी के रबड़ के ऊपर जस्ट पिनअप कर लेंगे। मेरे बाल भी काफ़ी पतले हैं, देखने में आपको इस तरीके से हैवी दिखते हैं, क्योंकि बालों का टेक्सचर जो है वो वॉल्यूम जो फूला फूला बाल होता है ना, उस तरीके का है। तो पतले बालों में आप इस तरीके से ट्विस्ट करके खींचोगे ना, तो आपका जो स्कैल्प दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप छोटे बालों में और पतले बालों में सुंदर सा पार्टी बन क्रिएट कर सकते हो। छोटे बालों में भी इजीली बना लोगे आप, शोल्डर लेंथ हेयर में भी। और हाँ, मेरे हेयर कट की वीडियो की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं बहुत जल्दी हेयर कट करूँगी, तो वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब इस साइड के बालों को आपको साइड से जो आपको लेयर निकालना हो, आप पहले निकाल लीजिएगा, फिर बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर वन पार्ट्स में से फिर से टू पार्ट्स करेंगे और सिंपली ट्विस्ट कर देंगे दो टू पार्ट्स करके, उनको आपस में इस तरीके से लपेटते हुए। फिर हल्का हल्का खींच लेंगे इसको और बैक में ले जाके जो आपका रबड़ बैंड है उसके पास ही इसको भी सेट कर लेना है। फिर दूसरा वाला जो बचा उसमें भी टू पार्ट करेंगे और अच्छे से ट्विस्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के। उसके बाद से इसको भी पीछे ले जाके इसको भी हल्का हल्का खींचेंगे और बैक में ले जाके रबड़ बैंड के पास इसको भी पिनअप कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। बैक में कैसे करना है वो देख लीजिए। तो बैक के लिए हम एक छोटा वाला डोनेट ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, और ट्विस्ट करके इस तरीके से पतला सा लेयर लेके खींच देंगे उसको और बन के ऊपर इस तरीके से जूड़ा पिन की मदद से सेट कर देंगे। इस तरीके से आप सेट कीजिएगा कि आपका बन ढक जाए, मतलब डोनेट जो है वो दिखे ना, हेयर से पूरा कवर हो जाए। फिर पतला सा सेक्शन लेंगे, इसको खींचेंगे और पूरा अच्छे से डोनेट पे कवर करते हुए इसको भी जूड़ा पिन की मदद से सेट कर देंगे। इसी तरीके से पूरे बालों को, बालों का जो डोनेट दिख रहा है पूरे बालों से कवर कर देना है ऐसे ही करते हुए। आप चाहो तो इसमें ब्राइड बना के भी इस तरीके से डोनेट को कवर करोगे तो काफ़ी सुंदर सा बन दिखेगा आपको। तो आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पे बहुत सारी इस टाइप के हेयर स्टाइल की वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। फिर से मैंने ट्विस्ट किया, पतला सा लेयर लेके बालों को खींच के और डोनेट के जस्ट ऊपर इस तरीके से सेट कर लिया है। फिर से एक और सेक्शन लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको भी डोनेट के ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। तो काफ़ी प्यारा सा आपका यहाँ पे बन बन गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते रहिए वीडियो। फिर जो बीच का हेयर है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करके ट्विस्ट कर लेंगे और ट्विस्ट करने के बाद से इसको सिंपली आप इस तरीके से लपेट दोगे आपस में राउंड राउंड करते हुए, एकदम सेंटर में ले जाके यहाँ पे यू पिन की मदद से सेट कर देंगे। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा लगा। बाकी बचे बालों को सिंपली बन के चारों तरफ लपेट देंगे और यू पिन से उसको सेट कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। और इस तरीके के स्टोन वाले यू पिन से आप जूड़े को डेकोरेट कर सकते हो। तो ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है,
इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा थोड़ा जो आपने बालों की पोनी के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट किया था उसको थोड़ा और खींच लोगे हल्का सा, ताकि और भी अच्छा लुक आए। और ये है हमारे बन का फाइनल लुक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरीके की वीडियोस सेल्फ वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।